तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टेंट इंडेक्सिंग के बारे में। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इंस्टेंट इंडेक्सिंग करने में। और एक बार इंस्टेंट इंडेक्सिंग की सेटअप API सेटअप आप कर लेते हो अपनी वेबसाइट पे, तो जितनी भी आपकी पोस्ट हैं वो ऑटो इंडेक्सिंग, आपकी पोस्ट पेजेस कैटेगरीज जो वेब स्टोरीज हैं वो ऑटो इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तुरंत इंडेक्स होंगी और जल्दी से जल्दी गूगल सर्च रिजल्ट में, गूगल डिस्कवर में आपकी पोस्ट आएंगी। तो कैसे दोस्तों सेटिंग करनी है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। चलिए बस, ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट और इस पर हम लोग अभी इंटीग्रेट करने वाले हैं और इंस्टेंट इंडेक्सिंग को सेटअप करने वाले हैं। और दोस्तों इस डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा हो इस वेबसाइट का तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं लाऊंगा कि ऐसे वाला डिज़ाइन कैसे बनाना है वर्डप्रेस पे। और दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आ जाता हूँ जल्दी से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे दोस्तों रैंक मैथ जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, और इसके दोस्तों हम लोग इंस्टेंट इंडेक्सिंग के ऑप्शन में आएंगे। बट इससे पहले दोस्तों हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। सो गाइस, इंस्टेंट इंडेक्सिंग का सेटअप करने के लिए आपकी वेबसाइट पे एक तो रैंक मैथ का प्लगइन जरूरी होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रैंक मैथ को यहाँ पे सर्च करता हूँ। सो आप देख सकते हो रैंक मैथ जो है वो ऑलरेडी एक्टिव है, अगर नहीं है तो आप कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इंस्टेंट इंडेक्सिंग। सो गाइस यहाँ पे आप देखिए, ये भी रैंक मैथ की तरफ से ही प्लगइन है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल। इसको दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इस प्लगइन को हम लोग एक्टिवेट करेंगे। सो गाइस ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आएंगे गूगल में और सर्च करेंगे गूगल क्लाउड कंसोल। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए फर्स्ट लिंक मिल रहा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से आप साइन इन कर लीजिए। सो मेरे केस में दोस्तों मैं अपने इस जीमेल अकाउंट से इसको ओपन करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट का, तो न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। ये मेरे पहले से ही कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे अभी मैं दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और प्रोजेक्ट का दोस्तों यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मेरी वेबसाइट का ही नाम। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं है। वायरल इंडिया न्यूज मैं देता हूँ -in-instant इंडेक्सिंग, कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने नाम दे दिया है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके, थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो गई तो मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं करता हूँ क्रिएट। और दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो गाइस यहाँ मैं भी सी ऑल एक्टिविटीज़ पे क्लिक करता हूँ और फिर से दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आऊँगा और देखिए फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वायरल इंडिया न्यूज़ इंस्टेंट। देखिए जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। सिंपली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, IM एडमिन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्विस अकाउंट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्विस अकाउंट पे क्लिक करके दोस्तों आपको क्रिएट सर्विस अकाउंट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ वायरल इंडिया न्यूज। ओके, एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एंड कंटिन्यू और सेलेक्ट अ रोल में दोस्तों आपको यहाँ पे करना होगा ओनर कंटिन्यू और यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद ये जो यहाँ पे आपको ईमेल दिख रहा है, इस ईमेल को आपको कॉपी कर लेना है। इस ईमेल को कॉपी करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स में जाएंगे एंड मैनेज कीज में क्लिक करेंगे और फिर ऐड की में क्लिक करके हम करेंगे क्रिएट न्यू की और जेसन फाइल को इसको हम लोग क्रिएट करेंगे और ये डाउनलोड हो चुकी है फाइल। अब इसको दोस्तों यहाँ से हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग आएंगे अपने सर्च कंसोल में। जिस भी जीमेल से आपका सर्च कंसोल बना हो, जिसमें आपकी ये वेबसाइट ऐड हो, वो आपको ओपन कर लेना है। अब मैं उस वेबसाइट को ओपन करता हूँ वायरल इंडिया न्यूज़ डॉट इन। ये दोस्तों बिल्कुल नई वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट है, अभी इस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों सेटिंग में आप आएंगे एंड यहाँ पे आपको यूज़र एंड परमिशन का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड यूज़र। ऐड यूज़र पे क्लिक करना है और वो जो जीमेल आपने कॉपी करी थी, ईमेल आपने कॉपी करी थी, उसको ऐड करना है। और यहाँ पे दोस्तों
इसको परमिशन को करना है ओनर और ऐड कर देना है। यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। वापस दोस्तों हम लोग अब आएंगे अपनी वेबसाइट पे और रैंक मैथ का जो ये प्लगइन है इसमें ऑप्शन मिल रहा है इंस्टेंट इंडेक्सिंग का, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल एपीआई सेटिंग, यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी जेसन फाइल हमने जो डाउनलोड करी थी उसको ओपन करना है। यहाँ पे पोस्ट पेजेस मीडिया स्टोरी जो जो आपको इंस्टेंटली इंडेक्स करना है उन सभी को टिक करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए कंसोल में आप आएंगे और सेंड टू एपीआई करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अभी एरर आ रहा है, ये क्यों एरर आ रहा है चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टेंट, ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्सिंग एपीआई और यहाँ देखिए दोस्तों नीचे मार्केट पे इंडेक्स एपीआई इंडेक्सिंग एपीआई का ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है। वापस अभी हम लोग क्लाउड कंसोल पे हैं जहाँ पे मैं ये सर्च कर रहा हूँ और इस स्टेप को दोस्तों हम लोग इनेबल करेंगे इंडेक्सिंग एपीआई ये गूगल की, इसको हम लोग दोस्तों इनेबल कर देंगे। और ये इनेबल हो चुका है। वापस दोस्तों हम लोग अपनी वेबसाइट में आते हैं और सेंड टू एपीआई में अगेन करके देखता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। तो बस दोस्तों डन है, आपका इंस्टेंट इंडेक्सिंग सेटअप हो चुका है। अब अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में जो भी आप पोस्ट करेंगे, जो भी आप वेब स्टोरीज डालेंगे, वो इंस्टेंटली गूगल में गूगल सर्च कंसोल में आप देखेंगे कि वो इंडेक्स होते जा रही हैं। और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।